बाबरी मस्जिद मामले में फैसले को लेकर राजधानी रायपुर में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी एस भारतीदासन ने बैठक ली। बैठक में शामिल सभी धर्मों के लोगों को शांति बनाए रखने की उन्होंने अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के मैसेज बिना वेरिफिकेशन के ना भेजा जाए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गलत अफवाहों पर ध्यान न दें, एक दूसरे का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और रायपुर शांतिप्रिय रहा है, आज भी ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं और लोगों से अपील भी की गई है। शराब दुकानें बंद रहेगी, डीजे पूर्णतः बंद रहेंगे, पटाखों पर भी प्रतिबंध रहेगा, संवेदनशील क्षेत्रों पर अतिरिक्त बल लगाया गया है, सेकेंड हाफ की स्कूल बंद कर दिए गए हैं और इसके लिए आदेश भी निकाला गया है। वहीं एसएसपी आरिफ शेख ने कहा कि सोशल मीडिया पर हमारी कड़ी नजर है, सुरक्षा की दृष्टि से 100 पॉइंट बनाए गए हैं, हजारों की संख्या में जवान तैनात हैं। शांति समिति की बैठक में हमने कहा है कि कोई भी अफवाह फैलाता है तो हमें तुरंत जानकारी दें। माननीय न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है किसी भी प्रकार का फैसला दे, हम सब भारतीय संविधान के अंदर जीने वाले लोग हैं और माननीय कलेक्टर साहब ने, माननीय एसपी साहब ने भी सबसे अपील की है कि शांति बनाए रखें। छत्तीसगढ़ जो है उसमें किसी प्रकार की कोई बातें आज तक हुई नहीं है, ना आगे होने वाली है। हम सब ये चाहते हैं कि सब शांति रहे, शांति बने रहे और दोनों आज तक जो छत्तीसगढ़ में एक शांति प्रिय हर त्यौहार हमने मनाया है तो वैसे ही हम अपना मनाते रहें और इस पे कोई ज्यादा टिप्पणी ना करें। हमारे साथ लगातार रुपेश गुप्ता जुड़े हुए हैं रायपुर से। रुपेश, जिस तरह एस भारतीदासन ने बैठक ली और बैठक के बाद सभी को शांति बनाए रखने की अपील भी की गई, तो क्या कुछ माहौल देखने को मिला रायपुर में? देखिए, बहुत अच्छा माहौल रायपुर में देखने को फिलहाल नजर आ रहा है जी। अगर कोई असामाजिक तत्व इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करे तो बात अलग है जी। सरकार प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी इस वक्त हमें बैजनाथ पारा में ये देखने को मिला कि एक ईदगाह पर तमाम धर्म के लोगों ने मिलन कार्यक्रम रखा और आपसी भाईचारे का संदेश भी दिया कि फैसला देश की सर्वोच्च अदालत ने किया है, जो फैसला किया है वो स्वीकार्य है। भाईचारा जो है वो महत्वपूर्ण है इस फैसले से, ये संदेश देने की कोशिश की है सर्वधर्म सभा के माध्यम से, तो ये एक अच्छा मैसेज दिया है। और कहीं भी हमें ऐसी खबर नहीं मिली, क्योंकि इसमें एक चीज को ध्यान में रखना होगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है वो बहुत महत्वपूर्ण अपील है और उसको समझना पड़ेगा कि दरअसल उसका कहने का मकसद क्या है। जो बाबरी जो ढांचा था जिसको गिराया गया था उसको लेकर के जो हेमंत शर्मा जो कि वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि कैसे अयोध्या के बाद पूरे दंगे भड़के थे, तो उन्होंने दोषारोपण ये किया है कि जो मंदिर मस्जिद ढहाने वाले लोग थे उन लोगों ने जाकर के उकसाने का काम किया है जो दूसरे समुदाय है। तो इस तरह की कोशिश ना की जाए यहाँ पे या कहीं भी, ये प्रशासन की सबसे बड़ी कोशिश है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए हमसे। अयोध्या मामले